आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन सीरीज़ में सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कॉमन फॉर्मूला बताया था, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस की मल्टीप्लाई हाइट से कर देंगे। क्लियर है? तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो ये था रेगुलर पॉलीगन के लिए। अगर हमें फाइंड करना है पॉइंटिंग फिगर के लिए तो उसमें हम कैसे फाइंड करते, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा था पॉइंटिंग फिगर के लिए। अगर हम बात करें सिलेंडर के बारे में तो सिलेंडर हमारा क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन की जैसे फिगर है, तो ये एक पॉइंटिंग फिगर नहीं है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम जो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, एरिया और बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम में अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर इसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, ये हो गया, और ये एक सर्कल की फॉर्म में है, ये सर्कल की फॉर्म में है, तो इसका सेंटर से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, और जो इसकी ये टोटल ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, और डायमीटर क्या होगा, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक का डिस्टेंस, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो सेंटर से पास होकर जाएगा वो क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये हाइट होगी, तो एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच, तो वॉल्यूम क्या आ गई, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर की वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 और आर आपको गिवन होगी और हाइट भी आपको गिवन होगी, तो यहाँ से आप उसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया, से पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो ओनली कवर वाला एरिया होगा। ठीक है, इसमें हम टॉप और बॉटम को स्किप कर देंगे। तो सबसे कैसे निकालेंगे, पैरीमीटर ऑफ बेस, जो उस बेस है उसका जो पैरीमीटर है वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे उससे। तो क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस, पैरीमीटर हम किसको बोलेंगे, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बोलेंगे पैरीमीटर को, तो इसका पैरीमीटर क्या हो गया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, और टोटल हाइट कितनी है, h, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या निकल के आया, 2πrh। ठीक है, तो ये आपका था लेटरल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πrh, यहाँ पर क्या होगा, 2π क्या, आर क्या होगा, उसकी सर्कमफ्रेंस, और h इज़ द हाइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है वो तो रहेगा रहेगा, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, टॉप और बॉटम का एरिया और ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, 2πrh क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, और टॉप और बॉटम का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 2πr स्क्वायर, दैट मीन्स क्या निकल गया, 2πr प्लस h। तो ये हो गया एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, r इज़ द रेडियस, h इज़ द हाइट, और लेटरल सरफेस क्या होगा, 2πr इंटू h, और वॉल्यूम क्या होगा, πr स्क्वायर h। तो ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं। अगर हम एक होलो सिलेंडर है हमारे पास तो उसका भी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसकी थिकनेस क्या है। एक होलो सिलेंडर है और थिकनेस क्या हो गई, अगर आप बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस माइनस कर देंगे तो उसकी थिकनेस आ जाएगी। क्लियर है? अगर जो भी आपको बड़ा सिलेंडर दिया गया और उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर डाल दिया गया तो अगर उनके बीच की अगर हमें थिकनेस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से माइनस कर देंगे स्मॉलर वाले का, तो हमें थिकनेस मिल जाएगी। तो हम कैसे फाइंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो आर है वो क्या है, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस है, और स्मॉल आर है छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस। क्लियर है? तो कैसे निकलेगा, एरिया
जो बिगर वाला जो आपका सिलेंडर है उसमें से छोटे वाले सिलेंडर के एरिया माइनस कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, अगर आपसे एरिया पूछे होलो सिलेंडर का तो आप क्या करेंगे, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर का ये आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया अगर आपके पास होलो सिलेंडर का आपको एरिया फाइंड करना है। ऐसे ही एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, टू पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सेम टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर आई एच। जो भी आपका एरिया है, साइड का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टॉप का एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टू पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये बिगर वाला है उसका क्या होगा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच स्मॉल वाले का। तो दोनों के बीच का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें इनकी वॉल्यूम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, सिलेंडर को डिस्कस किया था, इससे पहले हमने कोन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे भी हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे मेंसुरेशन के अदर फिगर्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।